अभी तक हमने कुछ भी जुगाड़ नहीं किया है और आपको मैं टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर दिखा दे तो कितना है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर 30-32 टेम्परेचर यहाँ पर हमारे रूम के अंदर है। अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं पंखा चल रहा है तो इतना टेम्परेचर अभी है। तो अब हम जुगाड़ करके देखते हैं कि कितना टेम्परेचर आता है। इस पहले जो टेम्परेचर चल रहा था लगभग 30 तक चल रहा था, अभी जो फिलहाल जो टेम्परेचर है 90-20 तक अभी फिलहाल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से और भी यहाँ पर टेम्परेचर कम कम होते हैं। तो यार हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइज आपको क्या करना है, एक सिंपल सी एक पीवीसी पाइप लेनी है जो कि बड़े साइज़ की लेनी है और आपको इस साइज़ से उस पाइप को काटना है कि जो अपनी दीवार होती है मतलब कि सॉरी गाइज विंडो होती है हमारी, इस विंडो की एक साइड वाली जो लेंथ होगी उसी साइड से आपको इसको काट देना है और जो बाकी वाला हिस्सा आपको साइड में रख देना है। और जो आपका जो विंडो की साइज़ का जो पाइप कटा हुआ है इसको जो आपको दो हिस्सों में काट देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर काट के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से काटना है। तो आपको इस तरीके से काट देना है। ओके तो गाइज देख सकते हैं हमने इस तरीके से काट दिया है दो हिस्सों में। और यह गाइज आपको दो विंडो के लिए काम आ सकता है। और आपको जो इस तरीके से फिक्स करना है कि जो हमारी विंडो है नीचे की साइड में फिक्स करना है ताकि जो पानी टपकता है गाइज तो जो पानी सीधा इसके अंदर आए और टपकने वाला पानी, और सिर्फ हम इस पानी को फिर से हमारे एक वाटर पम्प के अंदर डाल सके। अगर गाइज आपको वाटर पम्प नहीं बनाना आता है तो हमने एक वीडियो बना के रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं सीधा ही। तो चलिए यहाँ पर फिक्स हो चुका है ये। तो गाइज मैं आपको थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। तो गाइज देख सकते हैं हमारे यहाँ पर वाटर पम्प है जो कि अच्छे से मतलब अलग सा वाटर पम्प है थोड़ा। तो यहाँ पर यहाँ से सीधा ही पानी अंदर जाता है मतलब कि दीवार के ऊपर से गुजरते हुए हमने एक पाइप लगा दिए और वहाँ से जो ऊपर की साइड में लगता है और जो पानी टपकता है वो नीचे सिर्फ इसके अंदर टपकता है। जो पानी टपकेगा वो नीचे टपकेगा तो वो जो पानी को सिर्फ हम फिर से उस पानी को यहाँ पर एक पाइप लगा की छोटी से फिर से हम वाटर पम्प के अंदर डाल देंगे ताकि यहाँ पर पानी भी वेस्ट नहीं होगा और कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं आपको अंदर की साइड में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये अंदर की साइड से भी दिखता है कुछ नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह का वाटर पम्प लगाए। तो गाइज अगर आपको नहीं पता है वाटर पम्प किस तरीके से बनाना है तो आप प्लीज़ जाकर आप हमारे वीडियोज़ के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लगाए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पाइप ऊपर की साइड के ऊपर लगाए अंदर से, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो नेट होती है मतलब कि जाली मतलब कि आप यहाँ पर बोरी लगा सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं। हमारे पहले से यहाँ पर नेट लगा चुकी थी, जो बाहर से हवा आएगी वो यहाँ पर कैप्ट होगी होके जो यहाँ पर ठंडी हवा बनेगी तो उस तरीके से बनती है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ किस विंडो के अंदर जो पानी है अभी बहने लग चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से हमने जो जुगाड़ किया है यहाँ पर पानी बहने लग चुका है। तो यहाँ पर पानी बहेगा तो वहाँ पर हमारे रूम के अंदर जो हवा आएगी बहुत ही ठंडी हवा आएगी, देख सकते हैं गाइज यहाँ पर। तो गाइज लगभग 1-2 मिनट के बाद ही यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हुआ है, लगभग 22 या 24 तक गया है। अब मैं आपको दिखा तो पंखा भी चल रहा है और यहाँ पर जो पानी है यहाँ पर किस तरीके से टपक रहा है आप देख सकते हैं। और गाइज अब जो है हमारा पंखा भी थोड़ा बहुत ठंडा हवा देने लगा है, लगभग 1 ही मिनट हुआ है। अब अभी भी और जाके बहुत ही ये ठंडा होगा और रूम का टेम्परेचर जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो गाइज देख सकते हैं पानी भी टपक रहा है, इसकी वजह से जो हवा आएगी बाहर से जो गर्म हवा आएगी जो अंदर जो है ठंडी हवा आएगी। तो आप यहाँ पर देखिए गाइज अभी जो टेम्परेचर है फिलहाल लगभग 20 तक आ चुका है, अभी भी 1 ही मिनट हुआ है, देख सकते आप 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ फिर भी आप देख सकते यहाँ पर टेम्परेचर। तो गाइज यहाँ पर आप देखो पानी किस तरीके से टपक रहा है और मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि जो टेम्परेचर है अभी रूम का बहुत ही कम हुआ है, लगभग 20-22 है, लेकिन अभी पंखा थोड़ा बंद किया है मैंने। तो देखते हैं अभी पंखा चालू करके कितना टेम्परेचर हमें दिखता है। इस पहले जो टेम्परेचर चल रहा था लगभग 30 तक चल रहा था, अभी जो फिलहाल जो टेम्परेचर है 90-20 तक अभी फिलहाल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से और भी यहाँ पर टेम्परेचर कम कम होते जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर पानी भी टपक रहा है। तो मतलब ख़ास बात यह है कि यार रूम का टेम्परेचर जो है काफ़ी हद तक कम हो चुका है फ़ैन की वजह से और यहाँ पर। तो यार अगर आए आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को एक जरूर सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।